तो तीन गाड़ी जो है भाई के पास आ गई, एक दो तीन अपने भाई यहाँ पर बैठे हैं। क्या कर रहे हो भाई मार्केट में? ये बस ये कर रहे हैं, बढ़िया काम करके दे रहे हैं सबको। चलो जी दिखाते हैं कि करके क्या काम है गाड़ी में। एक दो तीन भाई, देखते हैं आगे क्या होता है भाई वीडियो में। तगड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है कि भाई लोग एक दो आइटमों के रेट इतने ऐसे डाउन दे देते हैं। लोग सोचते हैं कि भाई हमें बहुत सब कुछ सामान सस्ता ही मिलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक चीज पे सस्ते करते हैं तो उनको 100 रुपए की चीज के सीधे उनके 1000 रुपए बोलते हैं। वो आपका नेक्स एक्सेसरीज पे हम लोग 60% का ऑफ दे रहे हैं। अगर सिर्फ अलॉय लगवाने के लिए आते हैं हमारे पास तो हम लोग आपको 28,000 रुपए में देंगे, ठीक है। अगर बेस शूट आप सारा काम कराते हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 25,000 रुपए में, ठीक है जी। और वैसे आपके नेक्स जनवेन है आपके 2200 रुपए MRP आती है, डिस्काउंट करके आपको 880 रुपए का पड़ेगा। अब एक बार आगे देखो भाई रिस्पॉन्स, आप सब लोग LEDs का मारो भाई डिपर। ये देखो भाई ऐसे कुछ डिपर पे रिस्पॉन्स निकल के आता है भाई, बहुत बढ़िया। बाकी क्रोम हैंडल 1500 रुपए MRP आती है, डिस्काउंट करके आपको 600 रुपए का पड़ने वाला है। क्या बात, साइड की बिडिंग है जो कि आपकी 1900 रुपए MRP आती है, डिस्काउंट करके आपको 760 रुपए की पड़ने वाली है, ठीक है जी। वारंटी है भैया, लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम वारंटी भैया, कभी भी आ जाओ, कभी भी खराब हो जाए नया सीट को लेके जाओ, ठीक है जी। तो CNG में कई बंदे काम कर रहे हैं ऐसे, बहुत डरते हैं कि भाई CNG गाड़ी को बाहर से छिड़वा देंगे, वायरिंग वगैरह आफ्टर मार्केट हो जाएगी, तो उसमें रिस्क है। तो आपने ये चीज सोची नहीं सोची थी जब काम करा रहे थे? नहीं भैया, सोची थी मैंने बहुत पहले, ये सारी चीजें सोची थी, बट मैंने सब जगह एक ट्राई भी किया, ये भी नहीं कहता कि मैंने ट्राई नहीं किया, बट सुधीर भाई का काम देख के ना ये लगा कि हाँ भाई काम इतना ज्यादा इन्होंने अच्छा किया कि लगता है कि हाँ भाई फ्रॉन्क्स में इनसे बढ़िया नहीं करेगा कोई, ठीक है जी। आपकी वीडियो देखी है सारी, तभी जाके मतलब पता लगा, और भी मतलब एनालाइज किया कि सारी जगह देखी, ट्राई भी किए थे, रेट भी ट्राई किए, बट क्या काम करने का ढंग एक तरीका होता है ना, वो नहीं लगा किसी का भी, बस इनका काम करने का ढंग सबसे बड़ी बात है, वो अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा सा बस मुझे ज्यादा ये प्रेफर ये लगा। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी फ्रॉन्क्स लाए ना एक बार सुधीर भाई से आके जरूर मिले, सबसे बड़ी बात है रेट तो सभी ट्राई करते हैं, बट क्या है काम, और सबसे बड़ी बात है काम देखना चाहिए कि काम कौन अच्छा कर रहा है, बिल्कुल, बस ये है काम उनका। मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे इनका काम, और भी लगे हैं बट क्या रेट में सभी के सभी ये करते हैं कि कोई कहीं कर रहा है कोई कहीं है, बट इनके रेट जितने जनवन लगे सब चीज अच्छी लगी और किसी के नहीं लगी, ठीक है। मेरे थंब बत्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार ये वट खान दे मंगे जान जा लेंदे असी बैठे आ बठाया बंदे उठने नहीं देंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲੱਸ ਬੱਲੀਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਜਾਂ ਪਰ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਟੋ ਉਡ ਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਫਰੋਂਕਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸਭ ਸੇ ਫੇਵਰੇਟ ਪਲੇਸ ਹੈ ਭਾਈ ਆਪ ਲੋਗੋ ਕੀ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਆਪ ਲੋਗ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਪੇ ਤੋ ਇਨਹੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸੇ ਆਜ ਵੀਡੀਓ ਲੇਕਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਭਾਈ ਫਰੋਂਕਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋ ਲੇਕਰ ਤੋ ਭਾਈ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਭਾਈ ਆਜ ਇਹ ਫਰੋਂਕਸ ਕਮ ਔਰ ਦੁਲਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਜੀ ਹੋਈ ਸੁਧੀਰ ਭਾਈ ਕਿਆ ਰਹਾ ਹੈ ਦੁਲਨ ਕੇ ਪੀਛੇ दुल्हन बड़ी लेके आ रहे हो आजकल भैया? ये था कि भैया हमारे पास आए थे, हाँ, जब यानी आज ही डिलीवरी ली है, मेरठ में डिलीवरी ली है भैया ने, और सीधा कहीं नहीं गाड़ी रोके, शोरूम से निकल के सीधा यहाँ पे आके स्टॉप हुई है गाड़ी हमारे, ठीक पास है, और पूरी मोटिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके, अब यहाँ से अभी आप अपने घर के लिए निकलेंगे। भाई मॉडल तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कौन सा मॉडल है पहले तो ये बता दो भाई। भैया ये आपका सिग्मा CNG वेरियंट है, जो की सबसे बेस्ट वेरियंट जो होता है ये वो वाला वेरियंट आपका, ठीक है जी। तो और बात करते हैं इसमें, सबसे पहले बता दीजिए बजट कितना लग गया गाड़ी में? इसमें बजट की अगर बात करूं तो अभी हमारा फाइनल हुआ नहीं है, अभी बिलिंग होनी बाकी है, लगभग इसमें जो बिलिंग हुई थी पहले तो इसमें लगभग 130 के आसपास की बिलिंग हुई थी, जिसमें अलॉय इंक्लूड थे, फिलहाल भैया ने इसके अलॉय हटा दिए हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट देखते हैं कुछ आइटम ऊपर नीचे भी हुई है, तो फाइनल में पता लगाएगा कितना एक्चुअल में कितना बिलिंग का बैठा है भैया का। तो भाई अगर बात करते हैं अलॉय के बिना, तो मतलब अलॉय लगा के 130 बनता है बेस टॉप का, मोटा मोटा आप इसमें अभी मान के चलिए आपका 1 के आसपास का इसमें खर्चा आया इसके अंदर आपका, ठीक है जी। हाँ। शुरू करते हैं एक आइटम के साथ, बताते हैं भाई आपको कि 1,00,000 रुपए कैसे लग जाता है अपनी गाड़ी को बेस टू टॉप कराने में। हाँ। और आज की वीडियो में एक करेक्ट पूरा एनालाइज बता दूंगा कि भाई बेस मॉडल लेना रियली वर्थ इट है, करोल बाग आके काम कराना सही है या फिर नहीं। शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिस भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, करते हैं भाई स्टार्ट। हाँ जी भाई, तो भाई आगे वापस भाई गाड़ी पे स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से, फ्रंट प्रोफाइल में क्या चेंज कर दिया भाई इसमें? भैया सबसे पहले जो भाई इसकी जो जान है वो यहाँ पे है इसकी DRLs, बिल्कुल, तो हमने DRL चेंज की है, प्रॉपर जेन्युइन रहेगी, MGB पार्ट्स के अंदर रहेगी प्रॉपर आपकी, और प्लस में जितनी भी हम लोग पार्ट्स लगाते हैं MGB पार्ट कोई भी लगाएंगे आप लोग, क्रोम आइटम में आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, और जितनी भी जेन्युइन पार्ट्स होते हैं उस पर आपको 5 ईयर की वारंटी मिलेगी। भाई इस टाइम पे मार्केट में बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत ही तगड़ा स्कैम चल रहा है कि भाई लोग एक दो आइटमों के रेट इतने ऐसे डाउन दे देते हैं,
लोग सोचते हैं कि भाई हमें बहुत सब कुछ सामान सस्ता ही मिलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक चीज़ में सस्ते करते हैं तो उनको 100 रुपये की चीज़ के सीधे उनको 1000 रुपये बोलते हैं। तो वो काम अपना नहीं है, हम लोग जो भी पार्ट लगाते हैं जेन्युइन पार्ट लगाते हैं विद वारंटी विद बिल प्रॉपर सारा काम आपको करके देंगे भी हम लोग। क्या बात है जी। हाँ जी, तो भाई ये स्कैम के बारे में थोड़ा सा मैं और प्रकाश डालूंगा इस बात पर, तो भाई ये क्या रेट आपने दिया है इसका? देखिए भैया, जो एक्चुअल में जो रेट होता है इसका, आपका 13,600 रुपए एमआरपी आती है, डिस्काउंट करके आपको ये 12,000 रुपए की कॉस्टिंग पड़ती है। लोग आजकल इसको क्या कर रहे हैं, 9,000-10,000 रुपए लगा रहे हैं। लोग क्या करते हैं इस टाइम पे, क्या कर रहे हैं, एक आइटम आपको दे दी, ठीक है, अब वही चीज क्या करेंगे, दूसरी चीजों में आपके बराबर कर लेंगे, वो एक चीज में कम दे देंगे तो एक चीज में आपको बढ़ा के दे देंगे, कहीं ना कहीं आपको मैनेज। वही आप सिंगल पीस लेने के लिए जाओगे ना, आपको कोई नहीं देगा बिल्कुल। लेकिन ऑटो ऑटो पे आपके प्राइस की गारंटी है, आप मेरे सिर्फ सिंगल डेयर लगाने के लिए आओगे ना कि सुधीर भाई ये डेयर मेरे को चाहिए, जितने आपने रेट बोले उतने मेरे को चाहिए, मैं गारंटेड आपको सिंगल रेट में सिंगल पीस भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको इस रेट पे, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपको 1,00,000 रुपए खर्च करने हैं तो ही आपको रेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो हमारा डिस्काउंट जो होता है वो हमारा 60% का होता है, वो भी 14,000 अगर अबव काम कराते हैं तो, ठीक है जी। और अगर बात करते हैं ना भाई इस DRL की, किसी को सिंगल चाहिए ना भाई, कि सिर्फ DRL चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल है। दूसरी शॉप्स पे क्या है, 8,000 की बोल लो, जैसे कि आज जैसे कि अब एक चैलेंज हो जाता है भाई, ठीक है। अब चैलेंज देते हैं भाई, जो बंदा 8,000 की DRL बोल रहा है उस पे सिंगल जाके सिर्फ DRL की डिमांड रख दो, कोई नहीं देगा, नहीं देंगे, डायरेक्ट मना हो जाएगा, या तो कोई और बात बहाना दिया जाएगा कि अवेलेबल नहीं है, कोई ना कोई घुमा देंगे। जैसे कि अभी मैं टेलर के प्राइसिंग की बात करूं, इस टाइम पे लोगों ने कोई 6,000 रुपए का रेट भी लोगों ने बोल दिया है, लेकिन एक्चुअल में भाई देखो इतने ही डिस्काउंट हमें भी नहीं आता, पार्ट्स में डिस्काउंट किसी को भी नहीं आता है। लोग सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से हमारे पास कस्टमर आ जाए, लोग सोचते हैं रेड ट्रैप, आपने सुना होगा, एक चारा दिखा के बुलाने वाली बात होती है, फंसाने वाली बात होती है। कई कस्टमर हमारे पास ऐसे आ चुके हैं जो कि हमसे नहीं काम कराया, कहीं और जाके वो बाद में मेरे पास आए, रिपीट आए कि भैया हम गलत जगह चले गए, गलत जगह फंस गए, हमने तो वहीं काम रुकवा दिया और वापस आपके पास आए काम कराने के लिए। तो भाई इसलिए बोल रहा हूँ स्कैम से बचो, और जितने भी जो आपके आजकल जो रेट चल रहे हैं भाई, लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो चुके हैं इस टाइम पे कि हम लोग जाए कहाँ, कि भाई हम लोग इतने इतने वीडियोस हम लोग देखते हैं किसी में कोई प्राइसिंग किसी में कोई प्राइसिंग। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई प्राइसिंग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ऑटो ऑटो पर बेस्ट से बेस्ट प्राइसिंग मिलेगी, जेन्युइन काम मिलेगा विद वारंटी। भाई जब से गाड़ी लॉन्च हुई है सबसे पहले आपको हमने ही DRL हमने प्रोवाइड कराई है, सबसे पहले हेडलाइट हमने प्रोवाइड कराई है, सबसे पहले टेलर हमने प्रोवाइड कराई है, और सबसे पहले फ्रॉन्क्स मॉडिफिकेशन की है वो ऑटो ऑटो ने की है। आप नेट पर सर्च कर सकते हैं ऑटो ऑटो पर जाके, और बाकी चैनल पर भी जाके आप देख सकते हैं। DRL की तो बात ठीक है, अब आगे बात करते हैं और जेन्युइन आइटम्स की, और क्या चेंज करा है इसमें? और भैया जैसे कि हम लोग हमारा जो डिस्काउंट चल रहा है वो आपका नेक्स्ट एक्सरीज पे हम लोग 60% का ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग वही कंटिन्यू रखा है। और भैया को प्रॉपर जितनी भी एक्सरीज होती है A to Z सारी प्रोवाइड कराई है हमने। जैसे कि अगर बात करूँ फ्रंट से, तो यहाँ पे जो आपकी गार्निश होती है जिसको हम लोग आपकी फ्रंट बम्पर गार्निश बोलते हैं, ये भी हम लोग प्रोवाइड करा के दिए भैया को 60% ऑफ में। 60% ऑफ में 890 रुपए कुछ की एमआरपी आती है, 60% आपको ऑफ मिलेगा। और भाई अभी तक ना मतलब ये सब चीजें एक्सरीज जो भाई लोग कहते हैं कि भाई हम लोग इतना परसेंट, आजकल तो भाई कितना ही परसेंट डिस्काउंट लोगों ने बोल दिया है, लेकिन भाई चीजें नहीं देते वो लोग, चीजें दिखाते नहीं, हम लोग दिखाते हैं। मतलब ये नहीं है कि भाई जेन्युइन है, भैया के सामने सब कुछ आपको सुनवाऊंगा, भैया से सब कुछ जो भी निकला है नेक्सा के बॉक्सेस में निकला है टोटली पार्ट्स बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कोई आफ्टर मार्केट हमने लगा रहे हो या कुछ लगा रहे हो या फिर भैया कहीं और हम लोग सामान कुछ और लगा रहे हो भैया के पीछे पीछे, ऐसा कुछ नहीं। जो भी सामान लगा भैया के सामने लगा है, ठीक है जी, कोई ऐसा वाली बात नहीं है, कोई जेन्युइन पार्ट हमने प्रॉपर सब कुछ लगा के दिया भैया को। इसी के साथ में नीचे आते हैं तो हेडलाइट में भी गार्निशिंग मिल जाती है, हमने भैया हेडलाइट गार्निश लगाई है, ये भी आपकी नेक्सा जेन्युइन रहेगी, 790 रुपए एमआरपी है, 60% आपको इसके ऊपर भी ऑफ मिलने वाला है। और अगर इसकी बात करें हेडलाइट की, हेडलाइट चेंज क्यों नहीं करी हमने भैया? हेडलाइट हमने इसलिए वैसे चेंज नहीं करी क्योंकि इसमें क्या है, जो टॉप मॉडल की जो हेडलाइट आती है उसमें रोशनी इतनी नहीं होती है, फिर उसमें आपको अलग से बैकेट लगा के फॉग लैंप लगाने पड़ेंगे। और जो डेल्टा प्लस वाले भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको रोशनी कमी फील होती है, उसके लिए हमारा सोल्यूशन आ चुका है, एक आपको फॉग लैंप अलग से हम लोग लगा के दे देंगे जिसमें आपका रोशनी और अच्छी हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। फिटिंग कहां करोगे उसके? फिटिंग हम लोग यहां पे करके देंगे, जैसे कि यहां पे ये स्पेस दिया हुआ है ना, यहां पे एक ब्रैकेट लग जाता है उसमें आपके फॉग लैंप लग जाते हैं, प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप, बढ़िया जी। और इसमें अगर बात करते हैं तो थ्रो तो इस वाली पीली लाइट का भी नहीं है? नहीं इसमें नहीं है, इसमें हमने जो आपकी चेंज करी है इसको हमने आपकी 200 वाट की एलईडी से रिप्लेस किया है, जो कि भाई रिस्पांस बिल्कुल गजब का है, दिखाता हूँ आपको रिस्पांस, ठीक है जी। रिस्पांस अभी देखना आप अपने सामने, अभी देखना आप, यहाँ पर एलईडी जोन हो चुकी है, इसमें 200 वाट की एलईडी है और सामने आप जो है लाइट का थ्रो देख सकते हैं भाई। अगर रोड की बात करें तो रोड से थोड़ी साइड होके अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन जब भी आप रिस्पांस देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है, ये देखो ना डिपर, बिल्कुल ये देखो डिपर भी इसका बहुत ही खतरनाक है भाई। तो भाई वैसे हाई बीम रिकमेंड नहीं करता करनी यूज, पर ये है कि अगर आपका ड्राइव हाईवे वगैरह पर है तो कभी कभी नीड पड़ जाती है आपको इसकी हाई बीम की भी, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करो, LEDs लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबली यूज करो उसको,
है ना। और बात करते हैं भाई ग्रिल की, तो ग्रिल में क्या चेंज करा है भाई, ग्रिल बहुत शाइन कर रही है इसकी, अलग सी लग रही है कुछ। वे हमने इसके अंदर आपकी टॉप मॉडल की ग्रिल लगाई है जो कि आपकी जेटा वेरिएंट की ग्रिल होती है, ठीक है। कई लोगों ये क्या होता है कि भाई दो ऑप्शन इसमें ग्रिल आती है, एक आपकी इसमें होल हुआ हुआ आता है, कई लोग इसमें नहीं पसंद करते, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि जेटा वेरिएंट की इसमें बिना होल वाली चाहिए, तो हमने भैया को वही लगा के दी है पूरी की पूरी। यहाँ पे देखो पूरी शाइन कर रही है, थोड़ा सा डस्ट पकड़ लिया इसने, लेकिन शाइनिंग बहुत अच्छी है इसके अंदर। ये पूरी हमने ग्रिल चेंज की है प्रॉपर, आपको पियानो फिनिश आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर, एस टू एस फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये ग्रिल चेंज की है भैया की हमने। और बाकी देखो भाई अभी यहाँ पे भैया की तरफ के नंबर प्लेट भी दिया है, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, पूजा भी हुई है गाड़ी की देखो आप। और जो छेद आता है भाई वो किस लिए आता है होल, वो भी एक्चुअल में जो आता है टॉप मॉडल के कैमरे के लिए आता है, 360 कैमरा 360 कैमरे के लिए आता है। किसी को वो चाहिए लगवाना है उसमें, वो भी लग जाएगा, वो भी हो जाएगा अगर फ्यूचर किसी को लगवानी है तो भी हम लोग पड़ेगा बढ़िया। और इसी के साथ में अगर बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स की, आपने बताया एलईडीज है इसमें, डीआरएल्स है, ये इलेक्ट्रिक आइटम पे चलती है सारी, तो इनकी वायरिंग वगैरह का क्या सीन है, कोई वायरिंग पे नई गाड़ी है बिल्कुल है भैया, प्रॉपर सारा काम कपलर टू कपलर रहता है, कोई मार्केटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो भी काम रहेगा कपलर टू कपलर रहेगा, कनेक्शन वगैरह सब कुछ एकदम एक्यूरेट रहेंगे जैसे आपकी कंपनी देती है वैसे सेम चीज, ठीक है जी। साइड प्रोफाइल में देखते हैं, साइड प्रोफाइल में यहाँ पर इंडिकेटर आता था उसको छुपा के यहाँ पे वेंट लगा दिया गया है। हाँ जी, आप लुक देख सकते हैं इसकी, ऐसी कुछ लुक पूरी निकल के आती है। इसमें एक चीज मिसिंग है अलॉय व्हील्स, जो भाई ने बताया था स्टोरी उसके पीछे की। हाँ। और अलॉय व्हील्स का रेट बता दीजिए, क्या रेट चल रहा है भाई? भी अगर आप अलॉय व्हील्स में अगर आप सिंगल पीस लेते हैं, अगर सिर्फ अलॉय लगवाने के लिए आते हैं हमारे पास, तो हम लोग आपको 28,000 रुपए में देंगे, ठीक है। अगर बेस टू टॉप सारा काम कराते हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 25,000 रुपए में, ठीक है जी। हाँ जी, और बात करते हैं ऊपर आते हैं तो यहाँ पे गार्निशिंग मिल जाती है भाई इसकी, ठीक है जी। अच्छा, अगर वो वाली कहानी जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुनाई थी, हाँ। भाई कि आप सिंगल आइटम लेने जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, हाँ। अच्छा, उसमें आप ये कह रहे हो कि अलॉय व्हील्स का, हाँ। हम बेस टू टॉप को आने पे कुछ रेट दे रहे हैं और उसपे, हाँ। अलग रेट, वो कहानी, हाँ। का क्या रीजन है? देखिए ऐसा है ना, बेस टू टॉप पे ऐसा होता है जब लोग पूरा काम कराते हैं तो उसमें एडिशनल डिस्काउंट लोग देते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल बड़ा बन रहा है तो उस पे करके एज अ रिगार्ड डिस्काउंट को दे रहे हैं। हां, एज अ रिगार्ड, क्योंकि हर कोई लॉयर लगाता नहीं है, हम लोग डिस्काउंट इसलिए करते हैं ताकि लोग उसको ज्यादा से ज्यादा लगवाएं इसको। तो ऐसा तो नहीं है भाई कि कोई तुम पे वो रेट लेके आ जाए तो तुम आउट ऑफ स्टॉक कर दो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बेस्ट ऑफ काम करो, 25,000 रुपए में देंगे, गारंटी दूंगा। चलो बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। बाकी कस्टमर साथ में खड़े हैं, एक बार इनसे भी पूछ लेते हैं भाई, ये अलॉय व्हील्स की जो कहानी बता रहे हैं, मैं तो देखो लेट आया हूँ, आप पहले जब से गाड़ी लेकर आए तब से आप सामने खड़े हैं, तो एक बार आप ये चीज बता दीजिए अलॉय व्हील्स की अवेलेबिलिटी थी यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल थी। तो आपने लगवाया क्यों नहीं फिर? बस थोड़ा सा बजट अभी ओवर हो रहा था इसलिए अभी नहीं कराया था। तो अच्छा, भैया को बोला है अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी जल्दी आएंगे, एक डेढ़ महीने में फिर दोबारा लगवाएंगे दोबारा। चलो बढ़िया भाई, ये तो अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अलॉय व्हील्स का भी आप कभी जब मन चाहे तो वो बदल लगवा सकते हैं, अवेलेबिलिटी की बस रहती है। और बाकी कंटिन्यू करते हैं, साइड मिरर देख लो भाई, साइड मिरर इसमें पियानो ब्लैक लगा दिए गए हैं। और बात करते हैं भाई, इसमें इंडिकेटर आपको वर्किंग मिल जाएगा, तो ये वाला इंडिकेटर काम रहता नहीं है, एक बार इंडिकेटर की भी वर्किंग दिखा देते हैं भाई, वर्किंग दिखा दो इंडिकेटर की। हाँ मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, ठीक है जी, ये मेरा फोल्ड हो गया भैया, ठीक है। चाबी से कर रहे हैं? हाँ चाबी से कर रहा हूँ। चाबी भी दिखा देते हैं आपको, दो चाबी भाई को मिली है, इसमें फिलिप की बनवा सकते थे, ये थोड़ी मारुति की भाई काफी टाइम से चली आ रही है, ये चाबी फिलिप की बनवाओ, आजकल की लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज है भाई मार्केट की, ये देख लो भाई, ये चाबी के साथ ही लॉक अनलॉक पे आपका वर्किंग कर देगा। और बात करते हैं भाई इसकी, तो यहाँ पर आपको गार्निशिंग मिल जाती है, एक दो तीन और चौथा, ये पियानो ब्लैक किसी करवाया तो ये भी हो सकता है, तो ये चार चीज आइटम मैंने गिनवा दी आपको, इसमें आप गार्निशिंग लगा सकते हैं, एक क्रोम यहाँ लग सकता है आपका लोअर गार्निश का, ठीक है। इसमें आपको क्रोम वाले जो है रेन वाइजर मिल गए हैं आपके, और इसकी डिजाइनिंग आप लोग देख सकते हैं, ऐसे कुछ लोग निकल के आती है, ये जेन्युइन है या आफ्टर मार्केट है, कैसे है ये? भैया जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो जेन्युइन रहेगा, जैसे कि अगर डोर वाइजर आपके नेक्स्ट जेन्युइन है आपके, 2200 रुपए एमआरपी आती है, डिस्काउंट करके आपको ये 880 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। गार्निश भी ने अभी लगवाई ली, अभी ने फिलहाल भी ने, वो प्लान है भैया का, वो लगवाएंगे जरूर हमारे पास, ठीक है। और बाकी क्रोम हैंडल 1500 रुपए एमआरपी आती है, डिस्काउंट करके आपको 600 रुपए का पड़ने वाला है। क्या बात, साइड की बिडिंग है जो की आपकी 1900 रुपए एमआरपी आती है, डिस्काउंट करके आपको 760 रुपए का पड़ने वाली है, ठीक है जी। तो इसके साथ आपका पूरा लुक जो है कम्प्लीट हो गया पूरा, आप यहाँ से देख लो, साइड का पूरा प्रॉपर लुक निकल के आ रहा है इसके साथ में, रेड कलर में रहने वाली है ये, किसी को क्रोम चाहिए इसमें तो क्रोम भी अवेलेबल रहता है ना, बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर बैक प्रोफाइल देखते हैं, तो बैक प्रोफाइल में आप यहाँ पर देख सकते हैं अपना कनेक्टिंग टेलर लग गया गाड़ी में, और इसकी लुक आप चेकआउट कर सकते हैं पूरी कैसे लुक निकल के आती है। नीचे आप देखेंगे तो नीचे इसमें आपको OEM रिवर्स कैमरा विद प्लेसमेंट फिटमेंट आपके सामने है भाई, ऐसी कुछ निकल के आती है इसकी, और ये बिल्कुल जेन्युइन जो इसकी जगह दी जाती है उसी के बीचों बीच फिटिंग किया गया, आप यहाँ पे देख लो कटिंग पूरी प्रॉपर है इसकी। हाँ जी, और नीचे आते हैं थोड़ी सी तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, इसकी फिटिंग फिनिशिंग आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में रियर बंपर गार्ड या गार्निश बोल सकते हैं, गार्ड का अलग होता है वो जो पूरा लगता है, ये गार्निश बोलते हैं। तो ये भी देखो रेड कलर की फिनिशिंग के साथ में आपको देखने को मिलने वाला, बहुत बढ़िया। इसी के साथ में भाई अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एक और गार्निश है जो कि मिस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये देखो भाई, इसको डिगी क्रोम हम लोग डिगी क्रोम बोलते हैं भाई, ये इसकी पूरी लुक ऐसी कुछ निकल के आपकी आ जाती है, बाकी क्रोम्स अपनी बैक प्रोफाइल से इतना कुछ काम है। और इसमें अगर बात करें बैक प्रोफाइल से हम क्या क्या लगा सकते थे भैया बैक प्रोफाइल में? भाई एक बात बताओ, हाँ जी, टॉप मॉडल बंदर रहता है उसमें कई फीचर मिल जाते हैं जो कि आफ्टर मार्केट
नहीं कर पाता या फिर मुश्किल होता करना। हाँ। तो भाई उसमें से एक चीज है आपका रियर वाइपर। हाँ। उस पे अगर थोड़ा प्रकाश डालें तो ऐसा है ना, अब मैं तीन चीज पे वर्किंग कर रहा हूँ इस टाइम पे फिलहाल अभी। बिल्कुल ठीक है, आपका रियर वाइपर हम लोग इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। काफी इजी रहता है, मेन मुद्दा क्या है इसके पार्ट काफी पेचीदा काम होता है, छोटे छोटे पार्ट कई बार मिसिंग हो जाते हैं, एक भी पार्ट मिसिंग हुआ लगता नहीं है वो। ठीक है, और डिमांड भी कम है। बाकी आपको रियर वाइपर की वर्किंग में आपको दिखाने वाला हूँ जल्दी ही। और जो फेंडर जो है ना, अब जो हम लोग जो वेंट लगाते हैं ना, वो वेंट का भी झंझट हम लोग खत्म कर देंगे, पूरा फेंडर ही चेंज कर देंगे आपका। क्या बात है। और साथ ही साथ हाइट एडजस्टेबल सीट का हमारा ऑप्शन जल्दी आने हमारे पास आने वाला है। ये बात जो करी ना हाइट एडजस्टेबल की, हाँ इतने कमेंट आ रहे हैं इसको लेके, सीट हाइट एडजस्टेबल को भाई क्या है वो चीज, उसको क्यों नहीं अवेलेबिलिटी करा पा रहा करोल बाग? देखिए ऐसा ना, बात वो नहीं है कि अवेलेबिलिटी की नहीं है, लोग डिमांड हमारे पास कम ही आई है, हमें दो तीन लोगों की डिमांड मेरे पास आई है, वो जल्दी ही मैं आपको शोकेस करने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है, हमारे पास अभी इन हाउस आ चुकी है, बस इंस्टॉल करने वाले बाकी। चलो बढ़िया भाई, आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपके जितने भी कमेंट्स आ रहे थे वो आपका सोल्यूशन अब लेकर आ चुके हैं। कमेंट्स करना अब थोड़ा कुछ और नई चीज ढूंढो भाई परेशान करने के लिए, वो वाला सोल्यूशन आ चुका है मार्केट में, अपने पास अवेलेबल हो गया है। और बताते हैं भाई अपना डिग्गी खोलते हैं गाड़ी की, तो एक बार अनलॉक करके अब आपको दिखाते हैं भाई। अच्छा अनलॉक जैसे करा भाई ने, इसमें भी देखो इंडिकेटर का फंक्शन, देखो मैट्रिक्स आपको वर्क करता है, ऐसा कुछ आपको बाकी सामान जो इसमें लगा है, ये आपका मारुति सुजुकी जर्मन पार्ट का डब्बा है, आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है जी, इसमें एमआरपी वगैरह जो है आपका ये लिखा हुआ है, देख लो भाई ₹5,050 जो है देखने को मिलने वाला है आपको। ये JBL के स्टेज वन है कंपोनेंट्स। ठीक है जी, कोएक्सियल पूरा पेयर बन के इसमें लगा है, अभी आउटपुट सुना दूंगा इसका आपको। ये अपनी MS लाइट लगी है। हाँ जी। और ये नीचे एक और चीज पड़ी है भाई, जो गार्निशिंग आती है ना नक्सा की, वही जो हमने आगे लगाई है फ्रॉन्ट, ये देखो दिखाई है, इसमें भी MRP पढ़ लो भाई सब कुछ इसमें। बिल्कुल, तो भाई ये चीज प्रूफ है इसका कि ये जेन्युइन आइटम्स लगा रहे हैं, और ये मतलब आफ्टर मार्केट नहीं है। जो आफ्टर मार्केट का क्या रहता है कि भाई कभी क्रोम में जंग लग रहा है, कभी कुछ जंग लग रहा है, कुछ नहीं है। और मतलब जितनी भी सारी आइटम देखो भैया, सारी आइटम भैया जो भी पड़ी है ना वो यहाँ पे पड़ी है, कुछ आइटम वहाँ पे पड़ी है, वो सारे सामान हमको भैया वहाँ पर रिटर्न करेंगे। ठीक है जी, वो सारा भाई लेके चले जाएंगे। अच्छा किसी की क्वेरी रहती है भाई, कमेंट आता है ये भी कि भाई बिल में कट जाता है इनका अमाउंट, उसका क्या रहेगा जवाब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ऐसा ना, हम लोग कुछ आइटम ही हम लोग वैसे ले नहीं पाते, हम लोग रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, बाकी हमने स्पीकर्स लगाए हैं, देखिए ये आपके JBL का CS2 के आपके कॉम्पैक्ट पिक्सल रहेंगे यहाँ पे, और CNG ट्रे जो सबसे ज्यादा लोगों की डिमांडिंग है, सबसे ज्यादा ये तो भाई CNG ट्रे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे भाई आज की डेट में सबसे डिमांडेड चीज है CNG, जो भी लेता है गाड़ी उसमें ये काफी डिमांड रहती है। सिर्फ फ्रॉन्क्स नहीं भाई, कोई और गाड़ी भी होती है ना उसकी भी डिमांड आती है। अवेलेबिलिटी हो जाएगी ना, रेडी हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी रहती है, हमेशा रेडी रहती है। बहुत बढ़िया, इसकी आप देख सकते हैं आपको स्टेपनी का अलग से पूरी ऐसे करके फिटिंग कटिंग मिल जाती है, इसमें आप आराम से सामान इस पर रख सकते हैं। और अभी भी गाड़ी पे काफी सामान रखा हुआ है। कितना लोड झेल लेती है CNG ट्रे? ये 60-70 केजी तक आपका वेट अपना आराम से कैरी करेगा। वो ट्रैवलिंग करता है, सूटकेस वगैरह रख के इस पे आराम से लेके जा सकता है, आराम से। और साथ ही में अगर बात करते हैं तो इसके नीचे भी आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। आप यहाँ पर देख लो, अभी ये सामान पड़ा है इसलिए खुल नहीं रहा है, तो पूरा आपको ये ऐसे कुछ फोल्ड में मिल जाता है, ये फोल्ड होकर खुल जाती है, यहाँ पे आप बैग आराम से रख सकते हैं। चलिए भाई आप गाड़ी के इंटरव्यू चलते हैं। तो भाई गाड़ी के इंडिया में चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें MS लाइट एंट्री पर ही, और इसमें अल्फा वाले जो हैं आपके डोर हैंडल्स जो हैं, देखो कितने शाइनिंग में आते हैं आपको। देखो अब आपको दिख रही होगी इसकी शाइनिंग कैसे निकल के आती है भाई, कैसे देखो ग्लिटर स्पार्कल कैसे आ रहे हैं। ये जेन्युइन है ना भाई? भैया जेन्युइन की ही पहचान है जिसमें आपको ग्लिटर देखने को मिलता है, स्पार्कल देखने को मिलता है। फ्लैश मार के देखोगे ना कैमरा में आपको पूरे स्पार्कल देखने को मिल जाते हैं, ये पकड़ जाते हैं भाई यहाँ पर, यहाँ देख लो भाई, इस चीज से आप पकड़ सकते हैं इस चीज को, कैसे जेन्युइन की आफ्टर मार्केट। बाकी इसमें MS लाइट कलर चेंजिंग है, कलर देखो भाई ने चेंज कर दिया, दिखाते रिमोट के साथ में क्या बात है। तो रिमोट में दिखाते हैं आपको लुक, ऐसी कुछ लुक जो है रिमोट के लोगों को दिक्कत है। बिल्कुल, एप्स कंट्रोल करने में फोन निकाल के बिल्कुल पूरा सामने रखो, कलर चेंज करो भाई, ये चीज सबसे बेस्ट लगती है। बार बार फोन में ना कनेक्ट करना उसको चेंज करने के लिए वो थोड़ा तंग करती है भाई, लेकिन ये रिमोट सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए भी और ब्राइटनेस घटाने के लिए भी आपको मिल जाएगा, ऑफ करने के लिए भी और ऑन करने के लिए भी आपको यहाँ से ऑप्शन जो देखने को मिल जाएगा। ऑन ऑफ आप इसी रिमोट से कर सकते हैं, रेड ये देख लो, सारे कलर आपको अवेलेबल यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया जी, K3 अगर रहने वाली है अपनी, ये K4 भी इसमें अवेलेबिलिटी होती है उसकी भी। डैशबोर्ड पे मिलती है एक आपको, दरवाजा में मिलती है, कितने पीस की? 6 पीस की, 6 पीस K3 लगाई भैया के। ठीक है जी, और अगर बात करते हैं इंटीरियर में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंड्रॉइड स्टीरियो दिख रहा है, जिसमें आपको फ्रेम अलग से लग के मिलता है, पैनो ब्लैक फ्रेम है। अगर वही ग्लिटर्स की मैं बात करूँ तो इसमें देखो ग्लिटर्स नहीं आते, आप जितना मर्जी इसमें देख लो फ्लैश मार के नहीं ग्लिटर दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखोगे ना तो ग्लिटर आपको देखने को मिल जाता है। बहुत बढ़िया, इसी के साथ में नीचे आते हैं तो इसमें आप ये AC वेंट्स भी करा सकते हैं, टॉप मॉडल वाले वो भी अपने पास अवेलेबिलिटी रहती है उसकी भी। नीचे आते हैं तो USB देख लो, OEM प्लेसमेंट है USB की। अगर कोई बाहर से एंड्रॉइड लगवाते हैं तो कई बार क्या होता है
डैशबोर्ड में ये चीज निकलती है, ये हमने वो भी छोड़ी है और सामने में लगाई है, बिल्कुल भी लगाई है। तो ये चीज भी देख लो, अगर किसी को यहाँ पर एक्स्ट्रा यूएसबी चाहिए तो एक्स्ट्रा यहाँ मिल जाती है। कंपनी से क्या रहता है, कंपनी से एक यूएसबी की जगह आती है, हाँ जी, तो एक में फिट करके दी जाती है ताकि ओईएम प्लेसमेंट लगे। बाकी किसी को ये चाहिए तो आपको यहाँ पर अलग से मिल जाती है, हटवानी है तो इसको हटवा भी सकते हो, ऑप्शन आ जाता है अपने पास। बाकी ये देख लो एचडी कैमरा कौन से ब्रांड का लगा है, क्वालिटी आपके सामने है भाई। ये क्वालिटी दिखा दीजिए एक बार रिवर्स डालकर कैसी क्वालिटी निकलती है। एसी ऑफ करेंगे तो यहाँ पर देख लो ऐसी क्वालिटी जो है निकाल रहा है अपना कैमरा, मूविंग गाइडलाइन के साथ में आपको देखने को मिलता है। और ये देखो डॉगी अपना वॉक कर रहा है तो भाई कहीं पर भी लैग नहीं मार रहा भाई कैमरा अपना, पूरा क्लियर दिखाई बिल्कुल एंड तक देख सकते हैं, पूरा दूर दूर तक रोड पूरा क्लियर दिखाई देगा। और एक बार दोबारा न्यूट्रल करना भाई, अब रिवर्स लगाओ, ये देख लो भाई इतने कुछ एक सेकंड का टाइम लेता है, एक सेकंड में आपको देखने को मिल जाता है कैमरा, कुछ टाइम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे थोड़ा सा गाड़ी का मिल जाता है कहने का मतलब, है ना। बाकी अभी 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 जस्ट प्लेसमेंट हुई है इसकी। और अगर बात करते हैं और भाई गाड़ी के साथ में गियर नॉब तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है भाई, अगर टॉप मॉडल बनाना है तो अंदर से सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है भैया को, हमने दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्री दी है, वो आपका गियर नॉब हमने कॉम्प्लीमेंट्री दी है और इनर हैंडल हमने भैया को कॉम्प्लीमेंट्री दी है। इनर हैंडल मतलब ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें इंटीरियर वर्क जो मिसिंग लग रहा है उसकी भी अगर बात करते हैं तो इंटीरियर वर्क की यहाँ पर ये सीट कवर जो आप देख सकते हैं डबल प्रोटेक्शन के साथ में कर दिया है। डबल क्यों बोल रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो इस पे ऊपर से प्लास्टिक चढ़ा दिया गया है, शोरूम से निकाल, ठीक है जी, बिल्कुल शोरूम कंडीशन गाड़ी है तो उसमें प्लास्टिक तो कंपनी देती है। तो इसके साथ में भाई ने सीट कवर जो है अभी लगवा ली थी तो उसमें आप सीट कवर की लुक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कैसे सीट कवर है अपने, बहुत बढ़िया ब्लैक, बहुत बढ़िया। और ये कौन सा कलर है भाई, डैशबोर्ड से मैच होता है लगा के दिए यहाँ पे आप देख लो, और इसमें आप देख लो पूरा मैचिंग जो है बना दिया गया है, डुअल टोन में इंटीरियर सीट कवर बना दिए गए हैं, हाँ जी। और स्टिचिंग भी देख सकते हैं कितनी प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग की जाती है, लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम तक, लाइफ टाइम वारंटी है, कभी भी आ जाओ कभी भी खराब हो जाए नया सीट को लेके जाओ, ठीक है जी। तो इसकी आप फिटिंग फिटमेंट तो अब आपको पन्नी के अंदर आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी, लेकिन यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिंकल फ्री फिटिंग है बिल्कुल ही। और प्लेन सीट कवर है, किसी को डिजाइन चाहिए बर्फी वगैरह का तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पर भी आप देख लो भाई ऐसा कोई डिजाइन आपको देखने को इसमें मिल जाता है, बढ़िया। और अगर बात करते हैं ना इसमें जो भाई मेन चीज तो भाई ने भी हाथ रखा हुआ था और रखने वाले थे बस रखा नहीं, आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट, ठीक है जी, आर्मरेस्ट भी लगाया है। और अब तक टॉप मॉडल में जो रियर एसी होता है ना वो भी हमने ऑन करके वर्किंग कर दिया है, तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं भाई रियर एसी आपको कैसे जो है देखने को मिल जाता है। तो पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं ना आर्मरेस्ट के साथ में आपको ये पीछे पार्ट मिलता है रियर एसी का। टॉप मॉडल में जरूर से वर्किंग आता है लेकिन इसमें बेस मॉडल में ये चीज नहीं मिलती, लेकिन ऑटो हो रोल बार आपको मिलता है। हाँ देखो भैया ये है फ्रंट का, बिल्कुल अब ये देखो रियर का, रियर की आप सुन सकते हैं नॉइज माइक ने भाई बिल्कुल सामने कर दी है, बहुत बढ़िया भाई, माइक से क्लैरिटी आपको हो गई होगी। और बात करते हैं ना भाई इसमें ऐसे कि एक आधी आइटम की अपना जो रहने रह गई है, स्टीयरिंग रह गया है एक तो। हाँ, इसमें हमने सिल्वर वाला स्टीयरिंग लगाया है, ठीक है, इसमें आपको लेदर रैप मिलता है, ठीक है, और प्रॉपर सारे बटन वर्किंग मिलेंगे और यहाँ पे सिल्वर फिनिश की आपको गार्निश आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है जी। और स्टीयरिंग की क्या कहानी है भाई, कोई बंदा कह रहा है स्टीयरिंग 3500 का, कोई 5500 का, कोई 6000 का, ये क्या चल रहा है आजकल भैया? देखो ऐसा है ना, फिर मैं बताऊँ, वो आपका माउस ट्रैप है, राइट ट्रैप उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। लोग कितना भी कह ले भाई, देखो इतना कोई भी नहीं करता, आप और भी जो बंदे ठीक ठाक बंदे हैं ना, जो रेगुलर वीडियो डालते हैं, जो बढ़िया काम करते हैं, उनका एक बार जाके देखो आप, बिल्कुल कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लालच वाला सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोग क्या करते हैं कि अपना मतलब किसी तरीके से हमारे कस्टमर आ जाए, बाकी देखी जाएगी, फिर वो जब कस्टमर वहाँ पहुंच जाता है ना तो फिर वो जब उसको कहानी पता लगती है एक्चुअली में हुआ क्या, हुआ क्या है ये, जब तक उनको पता लगता है जब तक गाड़ी वाड़ी खुल चुकी होती है, फिर मजबूरन का काम कराना पड़ता है, मजबूरन ही काम कराना पड़ता है। मेरे पास अभी लास्ट टाइम भी आए दो तीन, काफी लोग आते हैं हमारे पास कि भैया गलत जगह हम लोग चले गए, ठीक है, वहाँ पे हमें चले तो गए हम लोग, जब देखा कुछ हुआ कुछ। भाई देखो ऑटो हुड पे सबसे बड़ी बात आपको ये बताता हूँ, जो आपको वीडियो में दिख रहा है ना एक्चुअल में भी आपको वही मिलेगा, तो भाई बैटरी हाँ। आप एक काम करो, सबर करो, अगली वीडियो में आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल रियल बंदा जिस कस्टमर जिस पे बीती है ये चीज वो भी आपको दिखा दूंगा और उनके एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर दूंगा अगली वीडियो। हाँ जी, तो उस वीडियो को वेट करना, सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आने वाला है, आने वाली वीडियो में काफी कुछ जो है रिवील करने वाला हूँ भाई। और उनका जो है ना भाई एक तरीके से भाई बबल बस्ट हो जाएगा, जो अभी तक बना आ रहा था कि भाई रेट कम है तो भाई अच्छा काम है, रेट कम है तो आपको यहाँ पर ये चीज मिल रही है, सेम चीज नहीं होती भाई,
आपको देखने को दिखा दूंगा अगली वीडियो में। आज की डेट में ऐसा है भैया कि लोग ना अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। बिल्कुल, तो लोग ये सोचते हैं भाई कमा कैसे रही है, किसी तरीके से रोटी हम छीन ले इसकी। तो आज के टाइम पे लोग ऐसा कर रहे हैं और कुछ वाली बात नहीं है। आप वीडियो देखना, फालतू की वीडियो देखना बंद कीजिए, ऑटो उठ की वीडियो देखिए, आशु भाई की वीडियो देखिए, प्रॉपर जेन्युइन काम मिलेगा। लोग हमारे पास भैया 1800 किलोमीटर दूर से हमारे पास आ चुके हैं भैया। बिल्कुल, वन साइड 1800 किलोमीटर यानी कि अप डाउन हो गया 3600 किलोमीटर, इतनी दूर दूर से हमारे पास लोग ट्रस्ट करके आ रहे हैं और ट्रस्ट हमने बल्कि बढ़ा के दिया है। क्या बात, एक कदम जब वो सोच के जो आते हैं ना उससे हमने बैटरी करके दिया हर किसी को, चाहे कोई भी कस्टमर, चाहे ये वाले कस्टमर क्यों ना हो, कोई भी हो। बढ़िया, और भाई बता दे कुछ रह गया कुछ गाड़ी में कराने के लिए? बाकी इसमें रूफ लाइट मिसिंग है ना, थोड़ी सी रूफ लाइट इसमें मिसिंग है। हम लोग फिफ्थ फ्रेम लगाते हैं, बियर भी नहीं लगाया हमने। ठीक है जी, ये भी चेंज होता है जिसमें आपको शीशे वाला मिल जाता है ना। हाँ जी भैया, इसमें मतलब काम काफी काम हुआ है इसके अंदर, जैसे कि हमने मैट्स दिखनी दिखाई भी मैट्स रह गए, फ्लोरिंग करी है हमने, और जो भी काम हुआ है टॉप नॉच काम हुआ है इसके अंदर। एक बार फ्लोरिंग दिखाओ कैसी फ्लोरिंग। भाई ये फ्लोरिंग का आप देख सकते हैं डिजाइन और पैटर्न, आप यहाँ से आपको क्लियरली जो है देखने को मिल जाएगा। और ये मैट्स अगर रिमूव करके भी दिखाऊंगा तब भी आप देख सकते हैं फ्लोरिंग का रिस्पॉन्स। जो भी लिक्विड वगैरह कुछ भी अगर गिरता है तो फिर सिर्फ फ्लोरिंग पे जाएगा। ये आपका जो गाड़ी का ओरिजिनल फ्लोर है जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो खराब नहीं होगा। प्लेसमेंट आप फ्लोरिंग की भी देख सकते हैं प्रॉपर जो है की गई है इसमें, और बिल्कुल एजेस आप चेक कीजिए एकदम प्रॉपर टकिंग करके फ्लोरिंग की गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई स्टीयरिंग का सबसे आपको सबसे जरूरी काम है भाई अपना, अगर कभी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो बार बार आपको इससे आगे आवाज कम ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। अब आपको गाने का आउटपुट चेक कराता हूं यहीं से प्ले करके। तो अपने भाई हैं ये लेकर आए थे अपनी गाड़ी मेरठ से, जो है अपने भाई बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हाल चाल पूछूंगा, कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश भाई, अगर आपसे बात करते हैं भाई, फ्रॉन्क्स ली कितने की आपने? भैया मुझे अप्रोक्स पड़ी थी ये 980 के आसपास। 980 आज ही ली है? हाँ जी भैया, आज ही डिलीवरी। चलो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई भाई आपको, आपको और आपके परिवार को गाड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। CNG में आपने ली है? हाँ जी। और इसकी अगर बात करते हैं, जैसे CNG में कई बंदे काम कर रहे हैं ऐसे बहुत डरते हैं कि भाई CNG गाड़ी को बाहर से छिड़वा देंगे, वायरिंग वगैरह आफ्टर मार्केट हो जाएगी, तो उसमें रिस्क है। तो आपने ये चीज सोची नहीं सोची थी जब काम करा रहे थे? नहीं भैया, सोची थी मैंने बहुत पहले, ये सारी चीजें सोची थी, बट मैंने सब जगह एक ट्राई भी किया, ये भी नहीं कहता कि मैंने ट्राई नहीं किया, बट सुधीर भाई का काम देख के ना ये लगा कि हाँ भाई काम इतना ज्यादा इन्होंने अच्छा किया कि लगता है कि हाँ भाई फ्रॉन्क्स में इनसे बढ़िया नहीं करेगा कोई। ठीक है जी, तो आप इस दुकान तक पहुंचे कैसे ऑटो उड़ तक? भैया मैंने आपकी वीडियो देखी थी सबसे बड़ी आशु भाई की, इतनी सारी वीडियो देखी हुई है मैं बता नहीं सकता हूँ, इतनी सारी, इतने दिन से 2 महीने से ट्राई कर रहा था, आपकी वीडियो देखी है सारी, तभी जाके मतलब पता लगा और भी मतलब एनालाइज किया कि सारी जगह देखी, ट्राई भी किए थे, रेट भी ट्राई किए, बट क्या काम करने का ढंग तरीका होता ना वो नहीं लगा किसी का भी, बस इनका काम करने का ढंग सबसे बड़ी बात है वो अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा सा बस मुझे ज्यादा ये प्रेफर ये लगा। बढ़िया। हाँ जी, और अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि आप इनके काम से संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है जी, 10 में से नंबर दे दीजिए आउट ऑफ 10 को, कितने नंबर मिलेंगे? 10 out of 10, मतलब सेटिस्फेक्शन पूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर इसकी बात करें फ्रॉन्क्स की, तो इससे कितने सेटिस्फाइड है आप? आज ली है गाड़ी, आपने चलाई, कैसी लगी गाड़ी? बढ़िया, मतलब रोड प्रेजेंस इतना बढ़िया है इसका, मतलब चलाने के बाद लगता है कि हाँ कोई अच्छी सी SUV टाइप गाड़ी चला रहे हैं ना, वो वाला लगता है कि मतलब ये नहीं लगता स्मूथली ऐसे ड्राइव करता है ना मैं। बिल्कुल, स्मूथनेस तो है गाड़ी में, बहुत बढ़िया। CNG में काफी अच्छी स्मूथनेस है, बहुत बढ़िया, लगता ही नहीं है कि CNG चला रहे हो आप। बिल्कुल, मतलब वही पिकअप, सब कुछ बढ़िया, हर चीज मतलब बहुत अच्छे से ड्राइव है, मतलब एक्सप्रेस वे पर लेके आया हूं मैं, बढ़िया, ऐसा लगा कि जैसे दौड़ रही है 100 की स्पीड से, पता नहीं लग रहा था कि हाँ कि कोई नॉइस नहीं कुछ नहीं। क्या बात है भाई, इस फ्रॉन्क्स की आप जो सुन सकते हैं भाई, तारीफ कितनी हो रही है आज तो भाई। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या कहते हो, फिर एंड करते फिर वीडियो? हाँ भैया, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा भैया, सबसे कुछ और फीडबैक देना चाहोगे ऑटो ऑड को लेकर? नहीं नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी फ्रॉन्क्स लाए ना एक बार सुधीर भाई से आके जरूर मिले, सबसे बड़ी बात है रेट तो सभी ट्राई करते हैं, बट क्या है काम, और सबसे बड़ी बात है काम देखना चाहिए कि हम कौन अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, बस ये है काम उनका, मैं कहता हूँ कि सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे इनका काम, और भी लगे हैं बट क्या रेट में सभी के सभी ये करते हैं कि कोई कहीं कर रहा है कोई कहीं है, बट इनके रेट जितने जेन्युइन लगे सब चीज अच्छी लगी और किसी के नहीं लगी। ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा अगर आपने वो बात सुनी थी मेरी जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में हाँ बोली जी, थी जी। उसको लेकर क्या कहना है आपका, कि कहीं पर जैसे
आपने अगर रेट पता करा हो तो आपको भी हो सकता है रेट में वेरी करा हो। बिल्कुल लगे थे कुछ चीजों में, मतलब मेरे को लगी थी डीआरएल में कोई कम दे रहा है, बट मुझे बट ये लगा ना कि कपलर फिटिंग वाली बात होती है, उनका डर ये था कि भाई काम कर रहे हैं, बट इनकी जितनी सारी वीडियो और आपकी इतनी सारी वीडियो देख के मुझे लगा कि सबसे ज्यादा अच्छे यही कर सकते हैं, बाकी और नहीं करेगा कोई। बिल्कुल भाई, तो 9-10 लाख की गाड़ी आपकी आ रही है, उसमें अगर आप उसमें 5-10 हजार की बचत करते हैं तो हो सकता है आपका 9-10 लाख का ही नुकसान हो जाए, क्योंकि वारंटी वर्ड का सीन जो रहता है आजकल वो सबसे बड़ा रहती है, सबसे बड़ा नुकसान तो वही होगा। 5-10 हजार जरूर बच जाएंगे, सस्ता हो जाएगा 5-10 हजार, लेकिन जब 9 लाख और 10 लाख पे बात आती है तब वहाँ बंदे को जरूर सोचना पड़ता है। जैसे इन भाई ने सोचा, काम कराया ऑटो उड से और अब संतुष्ट भी है काफी, बाकी जब यूज करेंगे गाड़ी तब इनको पता लगेगा कि काम की सेटिस्फेक्शन कितनी रहने वाली है। बाकी भाई लाइफ टाइम गारंटी के आपके सीट कवर जो है लग गए, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? लाइफ टाइम सीट कवर में सबसे बड़ी बात है, मैंने जब आके भैया ने बहुत सारे दिखाए, बट मेरे को चाह रहा था कि मतलब सीट कवर गाड़ी से जो मैचिंग कलर होता है ना इसका, बिल्कुल वो लगे, एक मिनट में पसंद आ गया एकदम से, गया मैंने कहा ये फाइनल है, दोबारा कहा ही नहीं मैंने कि मतलब दिखाओ मत आप, मगर जितने देखेंगे लगने के बाद रहेंगे, लगने के बाद अच्छी लगी है, मतलब बैठने के बाद भी कम्फर्ट बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया भाई, ठीक है जी, एंड करते हैं आज की वीडियो पे, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी अगर अपने भाई का रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप भी राय दे सकते हैं कि गाड़ी कैसी लग रही है आप सबको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।